हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। अगर आपने पिछले तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उन्हें वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेसिस के साथ में क्या होता है? डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस Only in aqueous solution? क्या acid ions तभी produce करते हैं जब वो aqueous solution में होते हैं? Let us test this. चलिए इसे test करते हैं। इसके बाद में आती है हमारी activity 2.9. Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. आपको 1 gram solid NaCl लेना है और उसे dry test tube में रखना है और सभी अपरेटस को आपको सेट करना है जैसा कि आपको फिगर 2.4 में दिखाया गया है। तो ये है आपका फिगर 2.4। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने अपरेटस को सेट करना है। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद में आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसके बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? क्या डिलीवरी ट्यूब के अंदर से कोई गैस बाहर निकल रही है? टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद में आपको जो भी गैस निकल रही है उसे आपको ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? और किस केस में लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ये भी आपको नोट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। तो ऊपर दी गई एक्टिविटी के बेसिस पर आप इन दोनों के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्या इन्फर कर सकते हो? आगे बढ़ते हैं। नोट टू टीचर्स, टीचर्स के लिए एक नोट दिया गया है यहाँ पर। इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड You will have to pass the gas produced through a guard tube containing calcium chloride to dry the gas. तो जिस भी समय आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस समय का जो क्लाइमेट है अगर काफी ज्यादा ह्यूमिड है यानी उसमें नमी है तो जो भी गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है उसे आपको गार्ड ट्यूब के थ्रू पास करना है जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होगा जो कि गैस को ड्राई करने का काम करेगा। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हाइड्रोजन आयंस HCl के अंदर तभी प्रोड्यूस होते हैं जब वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो HCl मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन आयन का जो सेपरेशन होता है वो वाटर की एब्सेंस में नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? HCl प्लस H2O मिल करके बनाते हैं आपका H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वो बना लेता है आपका H3O प्लस आयन। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये तभी एग्जिस्ट करते हैं जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+ या फिर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में शो किया जाता है। H+ आपका कंबाइन होता है H2O के साथ में तो बना लेता है आपका H3O+ आयन। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O+ और H+ आयन इन वाटर। हमने ये देखा है कि एसिड्स H3O+ या फिर H+ आयन हमें वाटर में देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्वड इन वाटर। तो अब हम देखेंगे कि बेस अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके साथ में क्या होता है। NaOH आपका जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो क्या बनाता है? Na+ और OH- आयन। कुछ और बेसिस के एग्जांपल भी देख लेते हैं। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर तो ये बना रहा है आपका Ke+ आयन और OH- आयन।
ऐसे ही MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, तो ये बना ले रहा है आपका Mg2+ आयन और 2OH- आयन। तो इन सभी रिएक्शंस में एक चीज कॉमन है जो कि है OH- आयन। ये आपका सभी बेसिस जब वाटर के अंदर डिजोल्व किए जा रहे हैं तो OH- आयन्स बना रहे हैं। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन्स इन वाटर, यानी बेसिस आपके हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन बना रहे हैं जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व किए जा रहे हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो बेसिस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन सभी को कहा जाता है एल्कलीज। Now as we have identified that all acids generate H+ and all bases generate OH- ions, we can view the neutralization reaction as follows. जैसा कि हमने ये identify कर लिया है कि सभी acids हमारे H+ ion बनाते हैं और सभी bases हमारे OH- ions बनाते हैं, तो हम neutralization reactions को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। Neutralization reaction क्या होती है? जब एसिड आपके कंबाइन होते हैं बेसिस के साथ में और सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, ठीक है, तो ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन, और बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH- आयन। तो आयन्स के साथ में अगर हम किसी एसिड और बेस को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा बना ले रहा है एक सॉल्ट, और इसके साथ साथ बन रहा है आपका H2O यानी वाटर। तो H+ आयन एसिड के द्वारा बन रहे और OH- आयन बेसिस के द्वारा बन रहे, और फिर इसके साथ में कंबाइन होकर के ये बन जा रहा है आपका वाटर। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। अब हम देखेंगे कि क्या चीज होगी जब हम वाटर को मिक्स करते हैं एसिड या फिर बेस के साथ में। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.10। टेक 10 मिलीलीटर वाटर इन अ बीकर। आपको एक बीकर लेना है, उसमें 10 मिलीलीटर वाटर डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्वर्ल द बीकर स्लोली। उसके बाद में आपको उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और उसे धीरे धीरे मिक्स करना है। टच द बेस ऑफ द बीकर। उसके बाद में आपको बीकर का बेस टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। क्या उसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आपको देखने को मिल रहा है? Is this an exothermic or endothermic process? तो इसके बाद में आपको ये बताना है कि क्या ये process exothermic है या फिर endothermic process है? Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observations. इसके बाद में ये activity आपको sodium hydroxide के साथ में करनी है और अपने observation को record करना है। The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. तो किसी भी एसिड या फिर बेस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है जब आप मिक्स करते हो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ में। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। जब भी आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हो वाटर के साथ में तो धीरे धीरे आपको उसको ऐड करना है और साथ ही साथ उसको साथ के साथ स्टर भी करते हुए चलना है, यानी मिक्स करते हुए चलना है। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. जब concentrated acid के साथ में water को add किया जाता है तो उसमें heat generate होती है और साथ ही साथ mixture आपका splash out भी हो सकता है, यानी बाहर भी गिर सकता है और उससे burn भी हो सकता है। The glass container may always break due to excessive local heating. और जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो भी आपके ब्रेक हो सकते हैं एक्सेसिव हीटिंग के कारण। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5 ऑन द कैन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। जैसा कि आप फिगर 2.5 में देख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स की जो बॉटल होती है
उनके ऊपर कुछ वार्निंग साइंस दिए होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब एसिड या बेस को वाटर के साथ में रिएक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है या मिक्स किया जाता है, तो उसके कारण आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम के साथ में। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन, और उन एसिड और बेसिस को जो कि डाइल्यूशन का प्रोसेस करते हैं उन्हें कहा जाता है डाइल्यूटेड। इसके बाद में आ जाते हैं पेज नंबर 25 पे दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसके आगे के चैप्टर को हम कवर करेंगे आने वाले अपकमिंग पार्ट्स में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।